भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान हुए हमले की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निंदा की है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के दौरान हमला किया गया, जिससे अमित शाह घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री जन संघर्षों से निकलकर वामपंथ के गुंडाराज को समाप्त करने के लिए ममता को सत्ता सौंपी गई थी, मगर अब ममता स्वयं ही सत्ता के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में चुनाव हो रहे हैं और देश भर में भाजपा जीत की ओर अग्रसर है, ऐसे में बंगाल में भी भाजपा का भगवा परचम फहराने जा रहा है, जिसे बखलाकर दीदी अब इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अमित शाह का रोड शो चुनाव आयोग की अनुमति से किया जा रहा था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, ऐसे में उन पर हमला किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी और अधिकारियों के खिलाफ जो कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है, जिससे ऐसा सबक मिले कि वो ऐतिहासिक हो, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी बनी रहे और जिससे लंबे समय तक याद रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद अमित शाह ने सभी अखबारों से मांग की है कि इस हमले की जितनी भी फोटो है उन्हें जारी किया जाए, जिससे पता चल सके कि हमलावर कौन है। उन्होंने कहा कि बंगाल के हालात राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा भी मौजूद थे। सोलन में 17 मई को राहुल गांधी की रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। रैली को लेकर शहर में तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। एपीजी ने सोलन में डेरा डाल लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। पुलिस मैदान में तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिन रात कार्य में जुटे हुए हैं और रैली को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोलन जिला कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि प्रचार के अंतिम दिन 17 मई को राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आयोजित यह रैली कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी, क्योंकि इस रैली का असर समूचे हिमाचल में दिखेगा और कांग्रेस इस रैली को भव्य और सफल बनाकर भाजपा की रैली का उचित जवाब देगी। बीजेपी के रोड शो से उत्साहित बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसा नेता है जो कि अकेले निर्णय करते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की तरह नहीं है, केवल झूठ बोलना जानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ना तो बड़े हैं ना ही कड़े हैं और निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 15 सालों में केवल झूठ बोलना ही सीखा है और अपनी पार्टी का ग्राफ नीचे गिराना ही सीखा है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपने प्रचार के दौरान बिलासपुर से शुरू हुए रोड शो को हमीरपुर में देर रात को संपन्न किया। रोड शो के दौरान जनता में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसे देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए। रोड शो के दौरान करीब 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ अनुराग ठाकुर खुली जीप में पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल मालाओं से अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। काफिले के दौरान जहां एक और हजारों की संख्या में गाड़ियों के काफिला हमीरपुर पहुंचा, तो वहीं हमीरपुर के हर शहर में हजारों की संख्या में समर्थकों ने घंटों इंतजार कर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन को भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है।